औरंगाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर नारकोटिक्स टीम ने कोयला से भर लदे एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। साथ ही चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में झारखंड के रास्ते गांजा बिहार लाया जा रहा है, जिसके आधार पर पटना पुलिस और नारकोटिक्स की टीम ने संयुक्त रूप से चतरा मोड़ पर छापेमारी की, जहाँ एक ट्रक से 10 क्विंटल 31 किलो गांजा जब्त किया गया। के द्वारा कार्रवाई की गई है, इसमें मुफस्सिल थाने से भी सहयोगी लोगों के द्वारा लिया गया था और इसमें यह सूचना मिली थी एनसीबी के पटना टीम को कि किसी गाड़ी में कोई ट्रक में जिसमें कि कोयला वगैरह लदा है और उसके छुपा करके कोई नारकोटिक्स के कोई वस्तु लाई जा रही है। कोई चोरों के आतंक से न सिर्फ आम लोग बल्कि पटना पुलिस भी परेशान है। आए दिन बंद घरों को निशाना बनाकर चोर लाखों की संपत्ति चोरी कर आसानी से फरार हो रहे हैं। ताजा मामला पटना के रूपसपुर इलाके का है, जहां अपराधियों ने दो दिन से बंद एक एसएसबी और डीआईजी और एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवर की चोरी कर ली। चोरी की सूचना मिलने के बाद पहुंचे पीड़ित के परिजनों ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बेगूसराय में बेलगाम होता अपराध और बेलगाम होते अपराधी अब खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। जिले में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक खुलेआम फायरिंग कर रहा है। जानकारी के अनुसार इस वीडियो में चनसी नामक युवक है, जो जिले के नया गांव थाना क्षेत्र स्थित दरियापुर में खुलेआम फायरिंग कर रहा है। मीडिया में खबरें चलने के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। गुमला में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति नईम खान गाँव में ही नशीली दवाओं की बिक्री करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी गोया ग्राम का रहने वाला है, जिसकी तलाश पुलिस बीते 3-4 महीनों से कर रही थी। नशे के कारोबार में नईम खान गोया निवासी के द्वारा लगातार कोरेक्स 10 टैबलेट और ऑनरेक्स बिक्री किया जा रहा था, जिसे 3 महीने से पुलिस को तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सुबह जब दुकानदार मालिक ने दुकान खोलकर साफ सफाई करने लगे, तभी दुकान में घुस कुछ अपराधियों ने बैग में रखी ज्वेलरी उठाई और भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुट गई है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि थैली में 6 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने के आभूषण थे। पूरा देश जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जमुई के फतेहपुर में एक आशा कार्यकर्ता ने कूड़े के ढेर से एक नवजात बच्ची की जान बचाकर नई जिंदगी दी है। इस सराहनीय कार्य के लिए झाझा के रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक और प्रबंधक ने आशा कार्यकर्ता ललिता देवी को सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के कूड़े के ढेर में किसी ने नवजात बच्ची को फेंक दिया था, जिसके पास पास जानवर मंडरा रहे थे। इसी दौरान ललिता देवी वहां से गुजरी और वही तभी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर वह उसे अपने घर ले आई, जिसके बाद गाँव के ही एक निसंतान महिला ने उसे गोद ले लिया। महिला एक शक्तिकरण के रूप में है ही है, और इनके बदौलत एक जिंदगी का आज जिंदगी बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे भी लोगों से महिलाओं से अपील करेंगे कि इस तरह का कार्य करते रहें और इनकी बात को हम ऊपर तक ले आने का कार्य करेंगे। आज इनको छोटा सा सम्मानित करके हम लोग इनको खुद भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि एक लावारिस बच्चे को ये लोगों नाम देने का इन्होंने कार्य किया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। छपरा में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को फूल देकर सम्मानित किया गया। वहीं समस्तीपुर में स्थित इस मौके पर महिला उद्यमियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू और कुटीर उद्योगों में लगी कई महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया।
सहरसा में जीविका के सहयोग से 2 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें जीविका दीदियों ने कई स्टॉल लगाए। मेले में आई महिलाओं ने विभिन्न रोजगार से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की। वहीं मुजफ्फरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर चूज टू चैलेंज के थीम पर सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार ने किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर बनी एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। वहीं सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर झारखंड के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देवघर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने IMA हॉल में बैठक का आयोजन किया, जिसमें भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के रोकथाम को लेकर महिलाओं को जागरूक करने की बात कही गई। वहीं सरायकेला में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं जमशेदपुर में महिला जागृति मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस दौरान महिलाओं की चुनौती विषय पर चर्चा की गई, साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। लातेहार के बरवाड़ी प्रखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया, साथ ही ग्राम संगठन को पुरस्कृत भी किया गया। पार्क तो कई देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा पार्क भी है जो हमारे फेंके हुए सामान यानी कचरे से तैयार किया गया है। कचरे से निर्मित हाजीपुर रेलवे परिसर में बना यह पार्क यहाँ के लोगों और इस रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक रिपोर्ट। एक ऐसा पार्क जो हमारे फेंके हुए सामान यानी कचरे से तैयार किया गया है, सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है। भारतीय रेलवे और असम की संस्था प्रयास इंडिया के संयुक्त सहयोग से पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर कार्यालय के परिसर में ऐसा ही पार्क बनाया जा रहा है। इसकी खूबसूरती देखकर आप ये बोल नहीं सकते कि ये कचरा है। सबसे पहली बात, सौंदर्यीकरण हर जगह की जरूरत है और सौंदर्यीकरण के बिना हम किसी भी चीज़ को चेंजेस में नहीं लेके आ जा सकते हैं। और ये रेलवे में जो सौंदर्यीकरण का काम है वो जोर से चल रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है और हम लोग मैक्सिमम इंडियन रेलवे के लिए काम करते हैं। इस पार्क के निर्माण में लागत भी बेहद कम आई है, क्योंकि इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई तमाम चीजें कबाड़ से आई हैं। पार्क को खूबसूरत रूप देने के लिए असम और बंगाल से दर्जनों की संख्या में कलाकारों को बुलाया गया है, जो अपनी कला के जरिए पार्क के अंदर सुंदर कलाकृतियों को बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। पार्क को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए इसे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिसकी छटा शाम होते ही देखते बनती है। पार्क को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकारों ने दीवारों को मनमोहक पेंटिंग से सजाया है, जिसे देख लोग अनायास ही आकर्षित हो रहे हैं। पीएम मोदी की स्वच्छता अभियान के तहत बनाया जा रहा पार्क आज हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों को जहां यह अपनी खूबसूरती से आकर्षित कर रहा है, वहीं कचरे को फेंक कर गंदगी फैलाने की जगह दोबारा किस तरह इस्तेमाल किया जाए, यह भी संदेश दे रहा है।
हाजीपुर से संतोष के साथ मंजुल मंजरी की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।